छतरपुर जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला 3 जून की देर रात का है, जहां पर एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका के पति संदीप पांडे ने बताया कि देर रात प्रसव पीड़ा के चलते मैंने अपनी पत्नी नीति पांडे को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, लेकिन ड्यूटी डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी पत्नी की मौत हो गई है। वहीं पूरे मामले में इंचार्ज CMHO डॉक्टर GL अहिरवार ने बताया कि देर रात महिला को भर्ती कराया गया था, जिसकी हालत गंभीर थी। ड्यूटी डॉक्टर रचना चौरसिया ने तत्काल मरीज का उपचार शुरू किया एवं स्थिति गंभीर होने के कारण गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को कॉल कर बुलाया गया, लेकिन महिला को काफी प्रयास करने के बावजूद बचाया नहीं जा सका। वहीं मृतिका के पति संदीप पांडे ने अपने परिजनों पर भी पत्नी के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार पांडे, किशोर सागर, छतरपुर। क्या घटना हुई आपको? कल रात्रि को जिला छतरपुर जिला अस्पताल में मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। कैसे, क्या हुआ है, क्या घटना? मैं उसको रात्रि को लगभग 1:30 बजे लेबर पेन और हाई BP की वजह से मैं लेके आया था, और यहाँ कुछ देर ही ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। BP बढ़ने की वजह उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना दिया जाना है, और ये मेरे माताजी, पिताजी एवं बहनों के द्वारा दिया गया। किशोर सागर स्थित मेरे पिताजी के निवास में मैं शादी के पश्चात रहता था। 1 जुलाई 2021 को मेरी शादी हुई थी, लगभग अभी 11 महीने हो चुके हैं, और मेरा पुराना विवाद माताजी से घर के अन्य सदस्यों से था, जो कि एक लंबी कहानी है। फिर उसके बाद भी मेरी शादी के बाद प्रताड़ना जारी रही, मेरे और मेरी पत्नी के साथ मारपीट, और मेरी ससुराल वालों को फ़ोन लगा के दहेज के रूप में 10 लाख रुपए की डिमांड बार बार की गई, गाली गलौज किया गया। मम्मी पापा और बड़ी बहनें सब लोग कॉल करते थे, गाली गलौज करते थे। इस वजह से उसका BP बढ़ने लगा, और उसके बाद में मैंने सेफ्टी से डिलीवरी कराने के लिए मोहल्ले के बगल में ही किराए का मकान लिया। कल रात्रि को लगभग 1 से 2 बजे के आसपास में मेरे माताजी, पिताजी और दो बहनें कमरे पर आई थी। उन्होंने उसके साथ मारपीट, धक्का मुक्की की, मैंने बचाव किया तो मेरा सिर दीवार से मारा, जिसकी ये चोट के निशान हैं। उसकी वजह से उसका BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लेबर पेन बड़ा डिस्चार्ज होने लगा। मुझे आनन फानन में यहाँ लेके आना पड़ा, और डॉक्टर्स ने यहाँ पे जो BP का ट्रीटमेंट दिया है वो मुश्किल से 10-15 मिनट ही चल पाया। वो चल के आई थी, एम्बुलेंस में आई थी, डॉक्टर्स ने भरपूर लापरवाही करी है और गलत ट्रीटमेंट दिया है। इसके बाद वो 10-15-20 मिनट में ही ट्रीटमेंट के बाद वो जब वो ख़त्म हो गई थी, तब मुझे अंदर बुलाया है। डॉक्टरों की ये भरपूर लापरवाही है कि जो पेशेंट आपके पास चल के एम्बुलेंस जी भाई, जब जिला चिकित्सालय में एक नीति पांडे और संदीप पांडे ने आरोप लगाए हैं कि मेरी पत्नी की डेथ डॉक्टर्स की लापरवाही से हुई है, और डॉक्टर्स ने उसे बोतल मारने का भी प्रयास किया, क्या कहना चाहेंगे? जिला चिकित्सालय छतरपुर में 3 जून 2022 को रात्रि 2:10 पर मुझे ऑन ड्यूटी डॉक्टर रचना चौरसिया ने बताया कि सर, जिला चिकित्सालय में एक महिला नीति पांडे, पत्नी संदीप पांडे भर्ती हुई थी, जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसका ब्लड प्रेशर 194/124 था, और अत्यधिक गंभीर अवस्था में यहाँ लाई गई कि प्रेग्नेंट थी। तो ड्यूटी डॉक्टर ने उसको तुरंत भर्ती करके उनका उपचार चालू किया, और मेडिकल स्पेशलिस्ट एवं गायनेकोलॉजिस्ट को तत्काल कॉल किया। उन्होंने अत्यधिक प्रयास किया, क्योंकि महिला की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी। गंभीर होने के कारण 2:40 पर उनको बचाया नहीं जा सका। जैसा कि मैंने डॉक्टर रचना चौरसिया से पूछा कि क्या कोई वो है, तो उसने बताया कि ऐसा हमारा मरीज और उनके परिजन के साथ कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है, और उसने पूरा प्रयास किया जितना वो कर सकती थी, लेकिन मरीज पहले घर से ही मन गंभीर स्थिति में आया था। धन्यवाद।